Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about 5 simple tips to follow for heavy flowering on bougainvilleas in the month of November. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सी 5 सिंपल सी टिप्स दूंगी, अगर जिन्हें आप फॉलो कर लेते हो अक्टूबर मंथ में, तो आपके भी बोगनवेलियाज के प्लांट में इसी तरीके से हैवी नंबर्स में फ्लावरिंग होगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट देखने में खूबसूरत से लगते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि बोगनवेलियाज के प्लांट सिर्फ समर सीजन में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो हैवी फ्लावरिंग होती है, एक मार्च के अराउंड होती है और एक नवंबर के भी अराउंड होती है। इसे थोड़ा सा सूदिंग जो वेदर होता है, जैसे वो स्प्रिंग टाइम हो गया और इधर ऑटम टाइम जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्लांट पसंद करता है। तो समर सीजन से ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग आपको अपने बोगनवेलियास के प्लांट में स्प्रिंग टाइम में और ऑटम टाइम में देखने को मिलेगी। तो आज अगर आप ये 5 सिंपल सी टिप्स को फॉलो कर ले जाते हो, तो आपके भी प्लांट बहुत अच्छे से इसी तरीके से फ्लावर से लदे रहेंगे पूरे नवंबर के मंथ। तो सबसे पहली जो टिप आपको फॉलो करनी है वो है सनलाइट के रिगार्डिंग। तो आपको इसे फुल डे सनलाइट वाले एरिया में रखना है। बेसिकली आप इसे टेरिस गार्डन में अगर आप रखते हो, तो ऐसे एरिया में रखिए जहां पे इसे पूरे दिन भर की अच्छी खासी सनलाइट मिल जाए, तो वहां पे ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी इसमें बहुत अच्छे से होगी। सेकंड टिप जो आपको फॉलो करनी है, तो अगर आपके बोगनवेलियास के प्लांट इसी तरीके से रूट बाउंडेड है, जैसे मेरे ये प्लांट्स थे, तो मैंने इनकी रिपोर्टिंग अभी किए हुए 8 से 9 दिन हुआ है और मैंने आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर किया था अक्टूबर गार्डनिंग वर्क वाला। अगर आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी। तो अगर आपके भी प्लांट्स की रूट्स आपको ऊपर से दिखने लगी हो, मतलब जैसे गमले में ऊपर से दिखने लगती कि रूट्स आने लगी या दिखने लगी है और सॉइल बहुत कम सी रह गई है, तो अपने प्लांट की आप रिपोर्टिंग जरूर से जरूर कर दीजिए। आप देख सकते हो उस समय कितनी मोटी मोटी सी ये जड़े मेरे इन प्लांट्स में निकली थी, ये भी देख सकते हो आप फ्रेंड्स। तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रूट बाउंडेड जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और ये फ्रेंड्स रिपोर्टिंग के दो दिन के बाद का अपडेट है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा येलो वाला बोगनवेलिया उस समय फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि ये वाला भी प्लांट रूट बाउंडेड था, पूरी तरीके से नहीं था लेकिन थोड़ा ही सा था। तो मुझे ये जो टाइम था ऑटम का, इसकी रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। और दो दिन के बाद क्या आप अपडेट ये इसलिए देख लो क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगा था। तो आप रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि जड़ें ऊपर दिख रही हैं तो इसको आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका ये अभी जो ऑटम सीजन का टाइम होता है रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस समय आप इनकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। ये फ्रेंड 4 से 5 दिन के बाद का अपडेट है, इससे पहले आपने 2 दिन पहले का देखा है। तो मैं छोटी छोटी सी क्लिप्स इसीलिए ऐड कर दे रही हूँ ताकि आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किसी भी तरीके से प्लांट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, रेदर देन इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो रिपोर्टिंग का काम आप अभी अक्टूबर मंथ में ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको नवंबर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। आप ये देख सकते हो मेरे सारे ही जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से, किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग शॉक वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो ये काम आप इधर अभी ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आज की जो क्लिप है वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। ये आप देख सकते हो, आप देखिए कितने अच्छे से मेरे इन प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है। कुछ में तो फ्रेंड्स, ये येलो वाले में तो काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले थे, जो कि मैंने अभी आपको एडिशनल क्लिप दिखाई दी है। अब आज जाके थोड़े थोड़े से फ्लावर्स शेड भी हुए हैं, क्योंकि जब फ्लावरिंग काफ़ी टाइम तक 8-9-10 दिन इसमें फ्लावरिंग हो भी चुकी है, और इधर ये वाले जो मेरे प्लांट्स हैं इसमें न्यू बर्ड्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये आप देख लो, तो इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा। इसके बाद थर्ड जो फॉरमोस्ट चीज़ होती है रिगार्डिंग वाटरिंग के लिए, तो फ्रेंड्स जब भी आपके बोगनवेलियाज के प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही हो, उस समय आपको रेगुलरली पानी डालना है। इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। ऑटम सीजन हो गया, इधर नवंबर में भी जब भी फ्लावरिंग होगी तो पानी डे टू डे डालिएगा, और जब फ्लावरिंग इसमें कम सी हो तो सॉइल चेक करके आपको पानी डालना, नहीं तो फोलियज जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके साथ साथ आप अभी प्रूनिंग भी कर सकते हो। मैंने रिपोर्टिंग के समय में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रूनिंग कर दी थी, ये उसी दिन का वीडियो है। मैं आपको ये भी क्लिप ऐड इसीलिए करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि जो भी लगी ब्रांचेस हैं या फिर अनवांटेड ब्रांचेस हैं तो वो आप रिमूव जरूर से जरूर कर दीजिए। अगर आपको भी अपने बोगनवेलिया का ट्रंक इसी तरीके से मोटा और बहुत ही खूबसूरत चाहिए, तो प्रूनिंग इसकी काफी आप अच्छे से करिए। प्रूनिंग जब भी आपको करना है तब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स ना लगे हों। आप मेरे इन प्लांट्स में देख सकते हो फ्लावर्स नहीं लगे। आज मैं इस प्लांट की भी थोड़ी सी कर दूंगी क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट जो फ्लावर्स हैं वो शेड हो गए हैं, मैंने उस दिन नहीं की थी।
तो जिस जिस ब्रांच में फ्लावर्स फ्लावरिंग नहीं हो रही मैं वो उस जगह पे सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूंगी। तो आप डिपेंडिंग, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप हार्ड प्रूनिंग कर दो, अगर फ्लावरिंग हो रही है तो जो भी आपको लग रहा है कि फ्लावर्स शेड हो गए हैं जिस भी ब्रांच में वो आप जस्ट प्रून कर दो। तो मैं आज इसी तरीके से इनकी भी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दे रही हूँ। और इस वाले प्लांट को मैंने रिपॉट नहीं किया था क्योंकि ये वाला प्लांट मैंने लास्ट ईयर रिपॉट किया था, तो जो बोगनवेलियास के लिए परफेक्ट रिपॉटिंग का टाइम होता है एक आपका स्प्रिंग के भी अराउंड होता है जब स्प्रिंग जाता है, और एक इधर आप ऑटम सीजन में भी कर सकते हो, लेकिन तभी करिएगा जब आपके प्लांट्स में फ्लावर्स वगैरह अगर नहीं निकल रहे हो, या अगर निकल आए और आपको लग रहा है कि करना बहुत जरूरी तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने येलो वाले में करा है और आपको दिखाया भी है। और इसके बाद आपको यह भी करना है, जो भी इस तरीके से पत्तियां नेचुरली वे में पीली होकर आपके पॉट में गिर जाती हैं तो फ्रेंड्स उसकी भी साफ सफाई जरूर रखिए, नहीं तो आपके भी प्लांट्स में पेस्ट अटैक हो गया या फिर फंगस भी लग सकता है। तो प्लांट की जो सॉइल हो पर टॉप मोस्ट उसको साफ जरूर रखें, और पीली पत्तियां गिर रही हैं उसको लेकर परेशान मत होइएगा क्योंकि ये फॉल सीजन है तो इसमें ये नेचुरल वे में पत्तियां पीली होकर गिरती हैं। और ये मेरे कुछ और प्लांट्स हैं जिनकी मैंने रीपॉटिंग की थी, इनकी भी आप कंडीशन देख सकते हो। और फ्रेंड्स अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है इसको जरूर से जरूर करिएगा, स्किप मत करिएगा, वंस इन अ वीक आपको गुड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है करना। जब आपके प्लांट से फ्लावरिंग हो रही होती है आप पानी डे टू डे डालते रहते हो तो फ्रेंड्स गुड़ाई जब करोगे तो से एक्सेस जो वाटर होगा वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, इन रिटर्न आपका प्लांट जो होगा वो बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, आपको बहुत सारे फ्लावर्स बना के देगा। इसके साथ साथ आपके प्लांट की जो सॉइल होगी वो भी सॉफ्ट बनी रहेगी क्योंकि सॉफ्ट सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो बहुत अच्छे से करते हैं। इस तरीके के आप देख रहे हो सॉइल कितनी अच्छी, इसमें पोरोसिटी बनी रहती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। लास्टली फर्टिलाइजर के तौर पर जो मैं डालती हूँ, मैं साल में सिर्फ दो बार अपने इन बोगनवेलियास को फर्टिलाइज करती हूँ, वो भी गोबर की खाद और नीम खली से, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप भी अगर ये चीज़ करते हो फ्रेंड्स तो आपके भी प्लांट्स में बहुत अच्छे से हैवी नंबर में फ्लावरिंग होगी क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की डिमांड नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इन 5 टिप्स को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपके भी नवंबर मंथ में इन प्लांट्स में बहुत खूबसूरत से हैवी नंबर्स में फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।